वही उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का अभियान लगातार जारी है। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग और ड्रग कंट्रोलर ताजपर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा माफियाओं के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाइयां की है। रुड़की और उधम सिंह नगर में नकली दवा के ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और 32 लोगों को जेल जाना पड़ा।